ASN24 पल पल की खबर। बलौदा बाजार जिले के ग्राम छेरकापुर में उचित मूल्य के दुकान पर हुए गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर को शिकायत करने पर मंगलवार को जांच टीम पहुंची, जहां पर सभी ग्रामवासियों ने ग्राम के बाड़ा में उपस्थित होकर जांच अधिकारी को अपना अपना बयान दिया। वहीं पर जांच टीम मौके पर जाकर राशन दुकान में देखा तो सभी राशन सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थे। पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री होने के बावजूद राशन न देना सोचने का विषय है। शिकायतकर्ताओं ने मीडिया को बताया कि सेल्समैन द्वारा लगातार चावल, केरोसिन, शक्कर इन सभी में उचित मूल्य से अधिक दर लिया जाता था। राशन सामग्री होने के बावजूद सेल्समैन द्वारा कार्डधारियों को राशन नहीं है कहकर वापस भेज दिया जाता था, जिसको लेकर कलेक्टर के पास शिकायत किए थे, जिसके संबंध में आज जांच टीम पहुंची हुई है। वहीं पर हमारे रिपोर्टर द्वारा जब जांच अधिकारी अमित शुक्ला से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो वे जानकारी देने से बचते नजर आए। वहीं पर जनपद सदस्य दीपक साहू ने बताया कि बहुत दिनों से उचित मूल्य के दुकान के सेल्समैन चंदूलाल वर्मा द्वारा भ्रष्टाचार करने की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। सभी ग्रामवासियों ने समय पर जाकर जायजा लिया तो रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्रामवासियों ने आक्रोश जताते हुए किसी गरीब के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहते हुए ऐसे भ्रष्टाचार और हमेशा दुर्व्यवहार करने वाले सेल्समैन के प्रति जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, उपपंजीयक, खाद्य विभाग एवं आपूर्ति अधिकारी को 29 अगस्त को सभी ग्रामवासी जिला कलेक्टर को सेल्समैन के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने को लेकर लिखित में शिकायत की गई थी, जिस पर आज जांच टीम जांच में पहुंची हुई है। क्या शिकायत है? शिकायत यह है कि चावल में हेरा फेरी, कहीं किसी को कम चावल दिया है, किसी को ज़्यादा चावल दिया है और पैसा तो सभी आदमी से एक्स्ट्रा पैसा लिया है। प्लस शक्कर का रेट जो 70 रुपये है उसको 20 रुपये में बेचता है और प्लस मिट्टी तेल जो 600 लीटर जुलाई महीने का है उसका वितरण ही नहीं किया है। कोई बोलते हैं मेरे को दाल नहीं मिला है, कोई बोलते हैं मेरे को चना नहीं मिला है, ऐसे ऐसे सब सारी बातें हैं। कौन करते हैं? पूरा ग्राहक लोग बोल रहे हैं। सेल्समैन क्या नाम है? चंदूलाल वर्मा। कहाँ का सेल्समैन है ये? अपने गांव का है, कोसंदा का रहने वाला है। कहाँ पे सेल्समैन में है ये? छेरकापुर में। 15 दिन पहले समस्त ग्रामवासी का कुछ शिकायत था कि जो सेल्समैन है ग्राम छेरकापुर का, उसका शिकायत तो बहुत दिनों से आ रहा था, पर इस बार क्या है रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो उसमें ग्रामवासी थे और समस्त पंचगण थे। जब इसका मेरे को सूचना मिला कि ऐसा ऐसा सेल्समैन के द्वारा पाया गया है करके, तो मैंने ग्रामवासी को बोला कि एक आवेदन बनाया जाए और SDM मैडम, कलेक्टर सर और उप पंजीयक महोदय और अपना खाद्य निरीक्षक, सभी जगह आवेदन अपन दिए थे, ज्ञापन दिए थे और उसके निमित्त आज फूड इंस्पेक्टर महोदय आज निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, जिसके लिए समस्त ग्रामवासी इकट्ठा हैं और अपना शिकायत और अपना समस्या और तरह तरह प्रकार के जितने भी फॉल्ट किए हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी किए हैं, आज उसको उजागर करने का इनको भी अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी बाड़ा में उपस्थित थे। अच्छा, शिकायत में क्या किए थे, उसमें क्या मिला? शिकायत में ये मिला है कि जैसे कि अपना चावल है, चावल जैसे कि दिए हैं वो 35 किलो दिए हैं तो उसको दर्शाया 65 किलो गया है। मिट्टी तेल अभी स्टॉक में निरीक्षण के दौरान अभी देखा गया है कि 600 लीटर है, लेकिन मिट्टी तेल के लोगों को बोला जाता है कि मिट्टी तेल नहीं है, 3 महीना से मिट्टी तेल नहीं दिया गया है। तीसरा चीज़, यहाँ पे जो शासन के निर्देशानुसार यहाँ पे सभी चीज़ का रेट चस्पा करना था, वो अभी तक चस्पा नहीं किए हैं। ऐसे कई प्रकार के तरह तरह के इनके जो शिकायत है वो ग्रामवासियों ने पकड़ा है और उसके निरीक्षण के लिए आज हमारे फूड इंस्पेक्टर महोदय आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और सभी लोग जैसे कि शक्कर के लिए, शक्कर 70 रुपये दर है, उसको 20 रुपये लिया जा रहा है और प्राय देखा जाए तो सभी जितने भी राशन कार्ड हैं पूरा जैसे कि 950 राशन कार्ड में सबसे अधिक मूल्य लिया गया है। ये ग्रामीण जन जितने भी शिकायत कर रहे हैं इसमें कितने प्रकार से होता है? महीना में तो आखिरी लास्ट तक खुलते रहते हैं दुकान, प्रत्येक माह शक्कर मिलता है, प्रत्येक माह चावल मिलता है, प्रत्येक माह उस केरोसिन तो अभी दो माह आए नहीं है, तो यानी और शक्कर भी आते हैं हर माह शक्कर भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा चावल भी दिए हूँ मैं जो आए हैं उस हिसाब से, और जो कार्रवाई हो रहा है मैं मेरे विरुद्ध हो रहा है, जो होगा तो होगा। तो अतिरिक्त पैसा लिए बोल रहे हैं गाँव वाले? अतिरिक्त पैसा चावल का जो DD है, बिल है, बिल के हिसाब के हिसाब से ही मैं लिया हूँ चावल। KSN 24 न्यूज़ के लिए बलौदा बाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।